everyone, this is me Jolly Yadav welcoming you back to our channel Reality 360 Degree. Guys, आज की मेरी ये वीडियो इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि दिल्ली एनसीआर में रहते हैं एंड अपने लिए एक कमर्शियल प्रॉपर्टीज ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सके और अच्छे रिटर्न्स पा सके। आज की ये वीडियो सेंट्रल 50 जो कि एक हाई स्ट्रीट कॉम्प्लेक्स है जो कि सेक्टर 50 नोएडा में लोकेटेड है उसके अराउंड रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ, प्लस आप अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कैसे रिटर्न्स मिल सकते हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। प्लस सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है कि अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी लोकेशन कैसी है, तो मैं आपको इस वीडियो में अभी इस लोकेशन के बारे में बताने वाली हूँ। सेक्टर 50 क्या आपके लिए एक परफेक्ट लोकेशन है या नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। गाइस सेंट्रल 50 की एग्जैक्ट लोकेशन रहेगी सेक्टर 50 मेन रोड का, ये प्रोजेक्ट है। सामने आपका स्पेक्ट्रम मेट्रो मॉल है एंड यहाँ से आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन यहाँ से हार्डली 500 मीटर के डिस्टेंस पर होगा, दैट मीन्स वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको यहाँ पर मेट्रो मिल जाता है। मेन रोड का प्रोजेक्ट रहेगा एंड ये जो लोकेशन है ये आपकी सेंट्रल नोएडा की लोकेशन है। आसपास अगर आप ये पीछे प्रोजेक्ट देख सकते हैं तो काफी सारे यहाँ पर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट भी प्रेजेंट है जिन्हें लोग रह रहे हैं, ये सारे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। एंड जो एरिया भी है, ये सेक्टर है, ये आपका काफी वेल डेवलप्ड सेक्टर है जिसमें सारी चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ के अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो उस तरफ आप देख सकते हैं मेघदूतन है जिसके नेक्स्ट आपका ओमैक्स ट्विन टावर है, यहाँ पर महागुण मैपल है, महागुण मैस्ट्रो है, एम्बियंस का प्रोजेक्ट है। और अगर मैं इन प्रोजेक्ट्स की भी बात करूँ तो इनका अगर रिसेल में भी अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो अराउंड आपकी 2.5 से 3 करोड़ की आपको यहाँ पर एक नॉर्मल एक अपार्टमेंट मिलेगा। एंड ये चीज बताने के पीछे मेरा ये मकसद था कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जेंट्री किस तरीके की रह रही होगी। फुटफॉल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि किसी भी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो फुटफॉल काफी ज्यादा मैटर करता है। अगर वहाँ पर आप इन्वेस्ट काफी अच्छा अमाउंट कर रहे हो पर वहाँ पर अगर फुटफॉल अच्छा नहीं आ रहा है तो आपका वो बेकार हो जाती है इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप यहाँ पे सेंट्रल 50 की जो लोकेशन है यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आसपास के इसी रीजन से आपको अराउंड 1 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको अराउंड 3 लाख का फुटफॉल मिल जाता है। 3 लाख फैमिली मिनिमम यहाँ पर अभी रह रही है, सो फुटफॉल आपको काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है। बाकी लोकेशन आपकी काफी प्राइम लोकेशन रहेगी, मेन रोड की प्रॉपर्टी है, साथ ही आपका सेक्टर 62 नोएडा वो भी यहाँ से काफी ज्यादा नजदीक है जहाँ पर काफी सारे बिजनेस हब्स हैं, काफी सारे बिजनेस ऑफिसेज वहाँ पर सेटअप हो रखे हैं। उसके अलावा आपको यहाँ से नोएडा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिल जाती है, NH-24 की कनेक्टिविटी मिल जाती है, प्लस आसपास की सिटीज जैसे कि ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन एंड गाजियाबाद वो भी यहाँ से काफी वेल कनेक्टेड है। सो गाइस अभी मैं प्रोजेक्ट के साइट पर हूँ एंड पीछे आप देख सकते हैं ये रहेगा हमारा प्रोजेक्ट सेंट्रल 50। टोटल एरिया की बात की जाए तो ये आपका 1.25 एकर्स के एरिया में बन रहा है। प्रोजेक्ट आपका 2 साइड ओपन रहेगा, सामने तो आपका मेन रोड था, पीछे आपको सेक्टर रोड मिल जाता है जिसके पीछे ही आपके रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो जाते हैं। ये आपका जो प्रोजेक्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि अभी 2 महीने पहले ही इसको रेरा मिला है। कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं काफी हद तक शुरू हो चुकी है, डिगिंग कम्प्लीट हो गई है एंड पोजेशन की भी अगर हम बात करते हैं तो आपको नेक्स्ट 1.5 इयर्स में इसका पोजेशन भी मिल जाएगा, यानी कि 2025 तक आपको ये प्रोजेक्ट का पोजेशन मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। प्लस प्रोजेक्ट आपका जो रहेगा वो कम्प्लीटली हाई स्ट्रीट रहेगा एंड इसमें आपको अनलॉकेबल स्पेसेस नहीं मिल रहे हैं। काफी सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका एक कंसर्न होता है कि उन्हें अनलॉकेबल स्पेसेस में इन्वेस्ट नहीं करना है एंड उनकी जो प्रेफरेंस रहती है वो लॉकेबल की रहती है। तो ये जो हाई स्ट्रीट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपका रहेगा इसमें अनलॉकेबल स्पेसेस है ही नहीं, जितने भी यहाँ पर रिटेल स्पेसेस रहेंगे सब आपके लॉकेबल स्पेसेस रहेंगे एंड आप उनको खुद उनके साथ आप जो भी है आप लीज अगर आपको करना है तो आप खुद उनको लीज आउट कर रहे होंगे, आप उनके राइटफुल ओनर रहेंगे, प्लस आप जो भी लीज रेंट वगैरह जो भी आएगा डायरेक्टली आपको आएगा, किसी के थ्रू बिल्डर इसमें बीच में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं है। ऑल्दो बिल्डर आपको लीजिंग के दौरान असिस्टेंस जरूर देंगे। सो अगर जो लोग इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो लोग खुद अपना एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं एंड उसके लिए एक अच्छा स्पेस ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए भी ये एक काफी अच्छा ऑप्शन है। आप सेंट्रल 50 में अपना एक स्पेस परचेज कर सकते हैं, एक लॉकेबल स्पेस परचेज कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप अपना खुद का बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। यहाँ पर अनलॉकेबल स्पेसेस नहीं है,
प्लस आपको साइजेस में भी काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो यहाँ का मिनिमम साइज रहेगा वो रहेगा 1248 स्क्वायर फीट का साइज एंड मैक्सिमम इज अप टू यू आपको कितना खरीदना है। रेस्टोरेंट्स में आपको अराउंड 8000 स्क्वायर फीट तक का साइज इजिली मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं एलिवेशन की बात करूँ तो ये आपका लोअर ग्राउंड ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर तक ही रहेगा एंड यहाँ पर कम्प्लीटली आपके जैसे कि मैंने बताया रिटेल शॉप्स रहेंगे। शॉप्स की विजिबिलिटी भी आपकी टू साइड की रहेगी, एक मेन रोड की रहेगी एंड एक बैक साइड की रहेगी। गाइस प्रोजेक्ट आपका फुली पेड अप लैंड पे बन रहा है एंड इसमें कोई भी ड्यूज नहीं है। अगर हम बिल्डर की भी बात कर लें तो ये वेस्ट वे एसोसिएशन का प्रोजेक्ट है जिनका सेंट्रल मार्केट 120 नाम से एक और प्रोजेक्ट है सेक्टर 120 में एंड वहां पे भी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट हो गई है। अभी सिर्फ फिनिशिंग का काम चल रहा है और नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो प्रोजेक्ट भी वो सक्सेसफुली डिलीवर कर देंगे। उसके बाद ये वाला प्रोजेक्ट है उनका जो कि 1.5 साल में वो डिलीवर कर देंगे, तो टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा कम ले रहे हैं। कम से कम टाइम में आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे देंगे। उसके बाद अगर मैं जैसे आसपास और प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, मॉल्स की बात करूँ, तो नॉर्मली कोई भी बिल्डर 4 से 5 साल लेते हैं एक प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने में, बट इनके प्रोजेक्ट उनके मुताबिक काफी कम टाइम ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ के स्टार्टिंग प्राइस की बात करूँ तो यहाँ का जो मिनिमम BSP है वो रहेगा आपका 25,000 पर स्क्वायर फीट, यानी कि आप यहाँ पर 4 CR ऑनवर्ड्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको साइज काफी ज्यादा बड़ा मिल रहा है, 1248 स्क्वायर फीट का साइज रहेगा इन जस्ट 4 CR, वो भी आपको प्राइम लोकेशन में मिल रहा है। नोएडा की पॉश लोकेशन में, पॉश सेक्टर में आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाता है जहाँ पर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। यहाँ पे सारी चीजें मौजूद है। प्रोजेक्ट के बिल्कुल ही नेक्स्ट मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल भी मौजूद है, इसके बिल्कुल नेक्स्ट SBI का ATM है, आसपास पेट्रोल पंप्स हैं। ओवरऑल ये प्रॉपर वेल डेवलप्ड सेक्टर है जिसमें काफी अच्छी जेंट्री के लोग रहते हैं। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेस प्रोजेक्ट सेंट्रल 50 जो कि आपका नोएडा के सेक्टर 50 में लोकेटेड था। प्रोजेक्ट काफी ज्यादा अच्छा है, स्पेशली अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ढूंढ रहे हैं एंड आपको अनलॉकेबल स्पेसेस नहीं चाहिए है तो ये प्रोजेक्ट आप प्रेफर कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप रिटेल स्पेस परचेज करते हैं तो आप उसके राइटफुल ओनर रहेंगे एंड आप अपने अकॉर्डिंग उसको लीज आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ सबसे मेजर फैक्टर होता है अप्रिसिएशन, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज जैसे कि यहाँ का जो मिनिमम जो BSP है वो अराउंड 25,000 पर स्क्वायर फीट है, बट फॉर श्योर आप अगर 3 से 4 साल बाद यहीं पर इसी जगह पे आप एक रिटेल स्पेस परचेज करेंगे तो यहाँ का रेट 1 लाख पर स्क्वायर फीट का हो जाएगा रिटेल स्पेसेस में। तो आप अप्रिसिएशन देख सकते हैं 4 गुना आपकी बढ़ जाएगी सिर्फ 3 से 4 साल के डिफरेंस में। तो अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी सोच रहे हैं तो वो भी उसके लिए भी ये काफी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये आपको रिटर्न काफी ज्यादा अच्छा दे देगा। उसके बाद आसपास का एरिया के बारे में आप ऑलरेडी अवेयर होंगे ही, अगर आप नोएडा के रेसिडेंट हैं तो मुझे आपको सेक्टर 50 के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं उन्हें पता है कि ये कितना अच्छा एरिया है। नोएडा के सेंटर में लोकेटेड रहेगा, पॉश एरिया है एंड फुटफॉल भी आपको काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है। प्लस मायवान फ्रेमवर्क के साथ भी ये प्रॉपर्टी बन रही है, कंस्ट्रक्शन मायवान फ्रेमवर्क के साथ रहेगा। सो गाइस आप सेंट्रल 50 को एक मौका दे सकते हैं, ये आपके लिए काफी ज्यादा एक प्रॉफिटेबल डील साबित होगी। एंड अगर आप प्रोजेक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं या फिर इसे विजिट करना चाहते हैं तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। उसी के साथ साथ इसके नजदीक में MQM द लाइन करके भी एक प्रोजेक्ट हाल ही में लॉन्च हुआ था जिसमें भी आपको रिटेल स्पेसेस एंड स्वीट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर आपको उसकी वीडियो भी चेक करनी है या फिर आप उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, प्लस वीडियो चेक करने के लिए आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल Realty 360 Degree फॉर मोर सच वीडियोस। And I'll see you in some other video. Till then, bye-bye and take care.